हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम आज एक नई वीडियो ले आए हैं। टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज एक नई चीज़ पढ़ेंगे, एक अद्भुत चीज़ जिसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कई पार्ट्स में हम इस वीडियो को पढ़ेंगे, है ना। तो अभी पार्ट नंबर 1 है एंड दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 9। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की कहानी कहाँ से है, क्यों है, वो समझ लेते हैं, है ना। देखिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना, यहाँ पे हमारे पास कितने चार्जेस थे, हमारे पास दो चार्जेस थे, है ना। मान लीजिए सपोज एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज आपका ये है। ये चार्ज बोला मैंने Q1 और ये चार्ज मैंने बोला Q2। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स आएगा, क्या डायरेक्शन आएगी, उसकी जानकारी हम सबको थी कि भाई मान लीजिए सपोज 1 और 2 के बीच का जो सेपरेशन है वो लिख रहा हूं मैं R12 से, तो मेरे को फोर्स पता है कितना आएगा, K Q1 Q2 / R12 का स्क्वायर। डायरेक्शन भी मैं जानता हूं, भाई मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो ये क्या हो गया आपका F21, और इस पे फोर्स इधर लगेगा, ये क्या हो गया आपका F12। 1 पे फोर्स लगा 2 के कारण, ये 2 पे फोर्स लगा आपका 1 के कारण। दुनिया में सब कुछ सही चल रहा था, इन दोनों की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, है ना। क्या हुआ, कहीं से घूमता फिरता एक तीसरा चार्ज भी एग्जिस्टेंस में आ गया। तीसरा चार्ज क्या आ गया आपका Q3। तो क्या होगा इसका जवाब हमें कौन देता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। कितनी महत्वपूर्ण बातें कही, दो महत्वपूर्ण बातें। पहली क्या थी, मान लीजिए सपोज इस चार्ज के आने से पहले ये फोर्स 10 न्यूटन था और ये फोर्स भी कितना था आपका 10 न्यूटन, तो इस चार्ज आने के बाद भी, इसके आने के बाद भी ये फोर्स भी 10 न्यूटन रहेगा और ये फोर्स भी कितना रहेगा 10 न्यूटन। मतलब कि इस नए चार्ज के आने से इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कहने का क्या मतलब कि किसी और चार्ज के आने से दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। कहने का क्या मतलब, चाहे Q3 है या नहीं है, ये फोर्स क्या रहने वाला है सेम। अगर पहले 10 न्यूटन का था तो इस Q3 के आने के बाद भी कितना रहेगा आपका 10 न्यूटन। फर्क क्या आएगा वो समझने की बात है ना भाई, फर्क कैसे आएगा क्या आएगा वो समझ लेते हैं। अब देखिए, Q1 और Q3 भी तो चार्ज है ना, अगर दोनों पॉजिटिव माने तो दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्शन, तो इस पे एक और फोर्स आ जाएगा, ये फोर्स हो गया F13, 1 पे लगाया 3 ने, और ये फोर्स कितना हो गया आपका F31, जो 3 पे लगाया किसने, 1 ने। सिमिलरली Q2 और Q3 भी हमारे चार्ज है तो इनके बीच में भी फोर्स आएगा, ये फोर्स इधर आ गया, ये हो गया आपका F23, 2 पे फोर्स आया जो 3 के कारण, और ये हो गया आपका F32, जो 3 पे फोर्स आया है आपका 2 के कारण। कहने का क्या मतलब है वो समझते हैं। देखिए, अगर मैं Q1 को कंसिडर करूं तो इस पे बाकी सारे बचे हुए चार्जेस क्या लगाएंगे, फोर्स। देख सकते हैं भाई Q1 पे Q2 ने भी फोर्स लगाया, ये रहा, और Q3 ने भी फोर्स लगाया, ये रहा। अब Q2 को देख लो, इस पे भाई Q1 ने भी फोर्स लगाया और इस पे Q3 ने भी फोर्स लगाया है। अब इसको देख लो, इस पे भी Q1 ने फोर्स लगाया और Q2 ने भी फोर्स लगाया है। यानी सेकंड महत्वपूर्ण बात कि किसी भी चार्ज पे हर चार्ज के कारण फोर्स आएगा, है ना। किसी भी चार्ज पे बाकी सारे बचे हुए चार्ज क्या लगाएंगे आपके, फोर्स। यानी कि Q1 पे दो फोर्स हो गए, Q2 पे भी दो फोर्स हो गए और Q3 पे भी दो फोर्स हो गए। अब अगर मेरे को नेट फोर्स निकालना है, सपोज मेरे को 1 पे नेट फोर्स निकालना है, तो मेरे को दोनों का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन, मतलब मेरे को F12 और F13 को जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मेरे को 3 पे नेट फोर्स निकालना है तो मेरे को वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, मेरे को F31 और F32 को जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली मेरे को अगर 2 पे नेट फोर्स निकालना है तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, मतलब F21 और 23 को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक चार्ज पे बाकी बचे हुए सारे चार्ज फोर्स लगाएंगे और नेट फोर्स कैसे निकलेगा, बाय वेक्टर एडिशन। मींस ईच चार्ज विल एक्सपीरियंस
a force due to every other charge. Each charge will experience a force due to every other charge, and net force is obtained by vector addition. Net force कैसे मिलेगा आपको? Vector addition. मतलब हर एक चार्ज पे बचे हुए चार्जेस के कारण फोर्स आएगा, और आपको जो नेट फोर्स है वो किसकी हेल्प से मिलेगा? बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन. अब इस टॉपिक के सवाल को अगर हमें सोल्व करना, देखिए कंसेप्ट इतना है, कंसेप्ट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. मैटर क्या करेंगे यहाँ पे, जो सवाल है, और उन सवाल भी आसानी से हो सकते हैं अगर आपको किसका ज्ञान हो? वेक्टर का. क्यों? क्योंकि मेरे को हर कदम पे क्या करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन. पर हम तो क्या है भाई, कई साल पहले पढ़ा था सर, भूल चुके होंगे. तो उन विद्यार्थियों के लिए जो भूल चुके हैं, मैं हल्का सा वेक्टर भी रिवाइज कराऊंगा ताकि उन्हें सवाल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए. चलिए पहले अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन. बेटे पॉज योर स्क्रीन एंड नोट दिस डाउन. इतने हम इसको मिटा देते हैं ताकि हम नया आपको समझा सके. देखिए भाई, उम्मीद आप सबने लिख लिया होगा. आगे हम चर्चा कर रहे हैं. देखिए बेसिक ज्ञान ऑफ वेक्टर, बेसिक हिंदी माफ करना गलत हो जाए तो बेसिक ज्ञान ऑफ वेक्टर. वेक्टर का भाई बेसिक ज्ञान चाहिए हमें. अगर ये टॉपिक के सवाल अगर हमें सोल्व करने हैं तो हमें वेक्टर का बेसिक ज्ञान चाहिएगा. तो बेसिक ज्ञान ऑफ वेक्टर, देखिए सबसे पहली बात, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. बेसिक्स बता देता हूं. मान लीजिए दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है. दोनों के बीच में थीटा एंगल वा है. तो देखिए अगर ए और बी के बीच में थीटा एंगल है तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे. ये हमने क्या कंप्लीट कर दिया? पैरेललोग्राम. बीच में से जो ये वेक्टर जा रहा है, ये ए और बी का क्या होता है? रिजल्टेंट. रिजल्टेंट का मतलब आर किसके बराबर होता है भाई? आपका ए प्लस बी. अब दो महत्वपूर्ण बातें, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. तो देखिए रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसका तो सीधा साधा फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. और अगर मेरे को रिजल्टेंट की डायरेक्शन चाहिए, मान लीजिए सपोज मैंने बोला कि रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल बना अल्फा, कितना एंगल बना आपका? अल्फा. तो टेन अल्फा निकाली. क्या निकाली आप? टेन. कैसे याद रखना है? सुनिए अल्फा क्या है? रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ. तो ऊपर लिखते हैं यहां साइन थीटा और नीचे क्या लिखते हैं? कोस, क्योंकि टेन क्या होता है? साइन अपॉन कोस. अब ए से एंगल निकाल लेना उसको भूल जाइए. दूसरे वेक्टर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और कहां मल्टीप्लाई करना है? नीचे. अब हम ए से एंगल निकाल रहे थे, नीचे हमने ए को क्या कर दिया? एड. तो दिस इज द बेसिक ज्ञान ऑफ वेक्टर. रिजल्टेंट क्या आपका? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. और टेन अल्फा क्या आ गया आपका? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. अब यहां पे अगर कुछ स्पेशल रिजल्ट याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है. कुछ स्पेशल रिजल्ट क्या है कि अगर मैं पहले स्पेशल रिजल्ट की बात करूं, क्या बात करूं मैं पहले स्पेशल रिजल्ट की, तो मान लीजिए सपोज मेरे दो वेक्टर है. मान लीजिए ये ए वेक्टर है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड आपका x, और ये मान लीजिए मेरा b वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? x. मतलब मैंने ऐसे दो वेक्टर लिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या आपका? सेम. पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी x है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या आपका? x. अच्छा मान लीजिए सपोज इनके बीच में वही थीटा एंगल था. तो एक बात याद रहे, जो रिजल्टेंट है, अगर वेक्टर सेम है तो रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? बिल्कुल बीचों बीच से. मतलब ये एंगल थीटा बाय टू और ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? थीटा बाय टू. कंडीशन अप्लाइड जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम. मतलब मान लीजिए सपोज अगर ऐसी बात आ जाए कभी, ये आपका एफ है एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये भी एफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. कितने डिग्री का एंगल है? 90. तो रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? बीचों बीच से. और ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी क्या होगा आपका? 45. दिस इज द
स्पेशल रिजल्ट 1, 45 एंड 45, और भी बहुत सारे हम रिजल्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये रिजल्ट याद होना अनिवार्य है। चलिए देखिए, अब एक और रिजल्ट अगर आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सेकंड रिजल्ट एक और बता देते हैं, कई बार काम आ जाते हैं, है ना। वही कंडीशन है, वेक्टर्स मैंने लिए सेम मैग्नीट्यूड के, मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी कितना है एक्स, और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है आपका एक्स। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए दोनों के बीच में मान लीजिए 120 डिग्री का एंगल है। अब मेरे को पता है जो रिजल्टेंट वो बीचों बीच से पास करेगा, मतलब इससे भी 60 एंगल बनाएगा और इससे भी कितना एंगल बनाएगा 60। मैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर भी मतलब कितना आपका एक्स स्क्वायर, प्लस 2ab, ab करोगे तो भी एक्स स्क्वायर, और एंगल 120 है तो कितना आ गया कॉस 120। अब हमारे बायोलॉजी के जो साथीगण हैं उनको तो कॉस 120 में दिक्कत आ गई होगी। इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, क्लास 11th की है, मैथमेटिक टूल्स, वहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि कैसे आप कॉस 120 निकाल सकते हैं। जिनको दिक्कत है कृपया उस वीडियो को रेफर करें, मैं उसका लिंक भी इस वीडियो में जरूर डाल दूंगा जहां पे मैंने cos 120 एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं भाई, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 120 कितना आ गया आपका -1/2। अगर आप सोल्व करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये तो कमाल हो गया, ये कितना आ गया आपका x। मतलब कि अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी x इसका भी x, और 120 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना आता आपका x। ये बातें याद रह जाएगी तो कोई बुराई नहीं है। तो दिस वाज द बेसिक ज्ञान ऑफ वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स कृपया अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। डियर स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। चलिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। क्या सवाल है हमारे पास, 4 चार्जेस ईच विद चार्ज प्लस क्यू, हर एक का मैग्नीट्यूड सेम है क्यू, आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रखा गया जिसकी साइड कितनी है L। बहुत बढ़िया भाई, एक चार्ज है इनका उल्टा -q/4 इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, रखा है बढ़िया आराम से, उस पर हमें बताना है फोर्स ऑन द चार्ज कि -q/4 पे कितना नेट फोर्स लगेगा। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप फिगर जरूर ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप फिजिक्स का कर रहे हैं। ये स्क्वायर है, यहां पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहां भी चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहां भी चार्ज रखा है प्लस क्यू, और यहां भी चार्ज रखा है प्लस क्यू। स्क्वायर की साइड कितनी दी गई आपको एल। चलिए भाई इसका सेंटर बना लीजिए, डायगोनल जहां मिलते हैं वही तो सेंटर होता है, तो यहां पे चार्ज रखा है -q/4, इस पे हमें क्या बताना है नेट फोर्स। देखिए जब कभी भी दो से ज्यादा चार्ज है तो प्रॉब्लम सोल्व करने की टेक्निक क्या होती है वो मैं आपको इस सवाल से समझा रहा हूं। मैं टेक्निक भी लिख रहा हूं और सवाल भी समझा रहा हूं। स्टेप वन क्या है, सबसे पहले आप फोर्स की डायरेक्शन बना लीजिए, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ ईच फोर्स। कहने का क्या मतलब है, देखिए मेरे को -q/4 पे फोर्स चाहिए, मैं इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबकी क्या ड्रॉ करूंगा डायरेक्शन। भाई इस पे 4 फोर्स लगेंगे, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, तो मैं कुछ नाम दे देता हूं, नामकरण संस्कार कर देते हैं ए बी सी डी और ये बीच में ओ। देखिए और ए के बीच में एक फोर्स होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा तो फोर्स आया इधर, इसको बोला मैंने एफ ओ ए, ओ पे लगा ए के कारण। सिमिलरली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, ये क्या हो गया आपका एफ ओ बी। सिमिलरली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स क्या हो गया आपका एफ ओ सी। सिमिलरली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स क्या हो गया आपका एफ ओ डी। तो मैंने अपना पहला स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, मैंने हर फोर्स की क्या बना लिए डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। स्टेप टू, आइए स्टेप टू पे राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, ये मेन बात है भाई, राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। देखिए मैग्नीट्यूड लिखना है पर इसमें एक बात याद रहनी चाहिए कि किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। मैं एफ ओ ए का मैग्नीट्यूड लिख के दिखा रहा हूं पर उससे पहले मैं और ए के बीच में आपको सेपरेशन निकालना बता देता हूं। देखिए
ये एल है, बीचों बीच हमारा सेंटर है ओ, और ये पॉइंट है ए, ये भी एल। सबसे पहले मैंने पाइथागोरस लगाई, ये एल पाइथागोरस से मैं ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं, तो ऑब्वियसली कितनी आएगी ये, अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट टू एल। तो ये पूरी तो आई अंडर रूट टू एल, बट ओ से लेके ए तक तो ये आधी ही है, आधी है, तो मतलब कितना बचा अंडर रूट टू एल बाय टू, मतलब कि कितनी हो जाएगी आपकी एल बाय रूट टू। अब देखिए अगर मैं एफ ओ ए इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो क्या आएगा, के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, भाई ए पे चार्ज कितना है क्यू, ओ पे चार्ज माइनस क्यू बाय फोर है, पर मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए मैंने माइनस क्यू बाय फोर नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा क्यू बाय फोर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, भाई डिस्टेंस तो एल बाय रूट टू, ओ से लेके ए का डिस्टेंस है एल बाय रूट टू, उसका स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर बाय टू, वेट टू कहां चला गया ऊपर, एंड सपोज इस क्वांटिटी को मैंने बोल दिया एफ। अब आप मेरे को एक बात सोच के बताइए, देखिए ओ ए और ओ बी में कोई फर्क नहीं है, क्यों, ओ पे भी वही चार्ज है, बी पे भी वही चार्ज है, और डिस्टेंस भी क्या आपका सेम। सिमिलरली ओ सी में भी चार्जेस भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, ओ डी में भी चार्जेस भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, मतलब हर एक का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला आपका F, इसका मैग्नीट्यूड भी F, इसका मैग्नीट्यूड भी F, इसका मैग्नीट्यूड भी F, और इसका मैग्नीट्यूड भी F, इस F ने इस F को मार दिया और इस F ने इस F को मार दिया, तो नेट फोर्स सिंपली क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे जीरो, इस F ने इस F को, इस F ने इस F को, नेट फोर्स क्या आ गया आपका जीरो। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक आध वेरिएशन जरूर बताना चाहूंगा, अगर सपोज मान लीजिए इस Q की जगह मैंने लिख दिया सपोज 2Q, कितना लिख दिया मैंने 2Q, अब क्या होगा, अब जो OB है उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा भाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ट्वाइस, तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये F रहा, ये भी F रहा, बट ये वाला फोर्स कितना हो गया 2F, और इसके अपोजिट में तो कितना रहा F, इसने इसको मार दिया, बट ये 2F और F तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स आ गया F कौन सी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन OB। तो इस प्रकार से हम ये सवाल सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।